जो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर आप लोग का 17 है, पौधों में जनन। प्यारे बच्चों, चैप्टर का ही नाम है पौधों में जनन। ठीक है, जनन हम लोग जानेंगे, जनन जो होता है वो पौधों में किस तरह होता है इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक बार आप सारे बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा प्यारे बच्चों, अगर हम जनन के बारे में चर्चा करें तो देखिए, जनकों द्वारा संतति उत्पन्न करना अथवा जन्म देना ही जनन कहलाता है। ठीक है, आप लोग समझे, पौधों में भी अपने जैसे संतति उत्पन्न करने का एक लक्षण होता है जिसे हम लोग जनन बोलते हैं, जिसे हम लोग पौधों में जनन बोलते हैं। ओके, समझे आप लोग। चलिए, इसमें आप लोग को अलैंगिक जनन का जो प्रकार होता है सारा कुछ बताया गया है। जनन के दो प्रकार, अलैंगिक लैंगिक। अलैंगिक जनन के माध्यम से पौधों में किस तरह जनन की क्रिया होती है उसके बारे में भी बताया गया है। ओके, तो मैं आप लोग इस चैप्टर का ऑल नोट्स जितना भी है सारे नोट्स मैं आपको दे रखा हूँ। ठीक है, नोट्स जाइए आप लोग पढ़ लीजिए, पूरा एक एक चीज़ आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिलहाल आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं बिना किसी देर के। प्यारे बच्चों, अपना समय गवाए तो सबसे पहले आप लोग ये सारे पॉइंट को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ओके, चलिए जी, अब देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न स्टार्ट होता है। कह रहा है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, जो विकल्प सही रहेंगे उसके आगे सही का निशान लगाना है। पौधों के जनन अंग है, पौधा का जनन अंग कौन सा है आप लोग हमको बताइए। तो पौधा जो है किस अंग के द्वारा जनन की क्रिया करता है, तो बच्चों आप लोग बताएंगे फूल के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? फूल के द्वारा। बोलिए मेरे साथ, पौधा किस अंग के द्वारा जनन की क्रिया करता है? फूल के द्वारा। दूसरा कहता है परागकण का वर्तिकाग्र का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है सर? परागण कहलाता है। ठीक है, समझे आप लोग, समझे। चलिए, परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाता है। किस में बदल जाता है? परिपक्व होने पर जो भ्रूण होता है वो विकसित होकर किस में बदल जाता है आप हमको बताइए। तो देखिए, परिपक्व होने पर भ्रूण जो होता है वो विकसित होकर बीज में बदल जाता है। किस में बदलता है? बीज में। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत सारे शिक्षक YouTube पर आपको गलत बता रहे हैं फल में। प्यारे बच्चों, फल में नहीं बदलेगा कोई भी, जब वह परिपक्व होने पर जो भ्रूण होगा वो विकसित होकर बीज में बदलेगा। आप लोग जानते होंगे, हम लोग कोई भी पौधा लगाते हैं उसका फल लगाते हैं जी? नहीं लगाते, उसका बीज लगाते हैं। तो परिपक्व होने पर भ्रूण जो होता है वो किस में बदलता है? बीज में बदलता है। ओके, आप ही लोग समझ गए ना। चलिए, कहता है नर एवं मादा युग्मक का मिलना कहलाता है। क्या कहलाता है सर? निषेचन कहलाता है। नर एवं मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। यहाँ पर दिया गया भी होगा। ओके, नहीं दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं, दिया रहता तो और अच्छा रहता, नहीं दीजिए। यहाँ पर दिया गया नर एवं मादा युग्मकों का मिलना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? निषेचन कहलाता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, इसको आप लोग क्या क्या कीजिए, याद कर लिया कीजिए। ओके, समझिए आप लोग। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्या है आगे, ठीक है, देखिए आगे कहता है रिक्त स्थानों को भरे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जनक द्वारा कायिक भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना डैश कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। कौन सा जनन कहलाएगा? अलैंगिक जनन कहलाएगा। ओके, चलिए, जिन फूलों में केवल नर एवं मादा जनन अंग होते हैं वे डैश फूल कहे जाते हैं, एक लिंगी फूल कहे जाते हैं। ओके, कौन सा फूल? एक लिंगी फूल। कहता है पराग कोष से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया डैश कहलाती है। स्थानांतरण की क्रिया जो होगी, आप लोग को यहाँ पर पढ़ाए थे हमने,
कि यह स्थानांतरण जो होगा वो परागण कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों जस्ट लाइक आपको यहाँ पर भरना है प्यारे बच्चों, परागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परागण। ओके, आगे देखिएगा, नर एवं मादा युग्मकों के मिलने से डैश का निर्माण होता है। युग्मनज का, किसका प्यारे बच्चों? युग्मनज का। ओके, भर लेंगे आप लोग, चलिए ये सारा कुछ भर लिए होंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है पौधों में अलैंगिक जनन की विधियों की चर्चा करें। पौधा में जो अलैंगिक जनन होता है उसकी जो विधि है, बहुत सारे विधि होते हैं प्यारे बच्चों, तो वो सारी विधि पर हमको चर्चा करना है। चलिए चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए पहले देखिए अलैंगिक जनन यहाँ पर दिया गया ना, इसमें आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसमें देखिए गुलाब का कलम, ठीक है आप लोग देखिए गुलाब का कलम, कलम विधि के द्वारा जो किया जाता है उसको देखिए, नहीं देखे होंगे अभी बताएंगे हम आपको। कायिक प्रवर्धन, ठीक है, आलू में कायिक प्रवर्धन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद लेयरिंग विधि, आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं ना, अभी समझाएंगे। मुकुलन, ठीक है, ये सब देखिए यहाँ पर आप लोग को किस प्रकार अभी हम बताएंगे। खंडन, उसके बाद बीजाणु निर्माण, ठीक है, इतना प्रक्रिया होता है अलैंगिक जनन में, सारे के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। प्यारे बच्चों जो भी बच्चे भरने वाले हैं यहाँ पर, जिनको लिखने में नहीं बना होगा यहाँ से देखकर लिख लीजिए। अब आइए देखिए लिखेंगे पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियाँ होती है, जैसे कलम द्वारा, कणिका द्वारा, बीजाणु द्वारा, ठीक है, कलम लगाकर, कंद भी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। विधि में पौधे में अंडरग्राउंड भाग से नए पौधे उग जाते हैं, जैसे आलू, प्याज आदि। कणिका विधि में तो पौधे में विशेष अंगों में नए पौधे विकसित होते हैं, जैसे कद्दू, शलजम आदि। बीजाणु विधि में बीजाणु से नए पौधे विकसित होते हैं, जैसे शैवाल, मशरूम आदि, ठीक है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे पौधा में क्या किया जाता है, उसका एक अच्छा सा तना खोजा जाता है, वहाँ पर क्या उसको थोड़ा सा छील दिया जाता है, और थोड़ा सा ऊपर से छील कर वहाँ पर उसको हल्का सा छील कर वहाँ पर मिट्टी लगा देते हैं चारों ओर से, उसके बाद उसमें पन्नी लपट देते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या होता है वहाँ से जड़ निकल जाता है, पता होगा आप लोग को, वहाँ से जड़ निकल जाता है, जिससे वहाँ से हम लोग काट कर एक नया पौधा निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा में क्या होता है कि पौधा का जो बीज होता है, ठीक है, उससे नया पौधा बनता है। तीसरा में आप लोग ये भी जानते होंगे बहुत सारे डंठल को क्या, जो जैसे जमीन में यहाँ पर मानिए पौधा का अगर जड़ है, तो अगर यहाँ पर कोई तना है इसको क्या किया जाएगा, यहाँ से ही इसको जमीन में क्या किया जाएगा, लगा दिया जाएगा। कुछ दिन के बाद जब वो अच्छे तरीके से उसका जड़ निकल जाएगा तो इसको यहाँ से काट लिया जाता है, फिर उसको दूसरे जगह हम लोग लगा देते हैं। इस प्रकार भी आप लोग पौधा को लगाते हुए देखे होंगे। ये सब है पौधों में अलैंगिक जनन की ही विधियाँ। ओके, चलिए कलम लगाने की विधि, एक पौधे को अंग दूसरे पौधे में लगा दिया जाता है, समझे आप लोग। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है क्यों। लिखेंगे लैंगिक जनन के बिना बीज नहीं बनते हैं। बीजों के निर्माण के लिए पुष्प द्वारा परागुणांकन और निषेचन जैसी प्रक्रिया होना आवश्यक है। ये प्रक्रियाएं लैंगिक जनन के अंतर्गत आती है। बीज में भ्रूण होता है जिससे नया पौधा विकसित होता है। ओके, चलिए स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर बताएं। दो कॉलम बना लेंगे, इधर लिखेंगे स्वपरागण, इधर लिखेंगे परपरागण। स्वपरागण में उसी पुष्प के परागकोष से परागकणों द्वारा परागण होता है। स्वपरागण में कैसे होता है, जो स्वपरागण होगा वो पुष्प के परागकोष से परागकणों द्वारा परागण होता है, ठीक है। जबकि परपरागण में क्या होता है कि किसी दूसरे पुष्प के परागकणों द्वारा उस पुष्प का क्या होता है, परागण होता है। स्वपरागण में क्या होता है, वो अनुचित बीजोता उत्पादन का के कारण बन सकता है, इसलिए परपरागण को प्राथमिकता भी दी जाती है, समझे आप लोग। चलिए इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है, लेकिन जब दो तीन अंतर लिखना हो तो हम लोग जबकि लगाकर ही लिखते हैं, ठीक है। दो अंतर लिखेंगे आप लोग को मिल जाएगा दो नंबर, क्या दिक्कत है, इसको इस प्रकार लिख दीजिएगा। ओके, चलिए कहता है बीजों के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार होते हैं। लिखेंगे बीजों के प्रकीर्णन से तात्पर्य है बीजों के फैलाव से। प्रकीर्णन का मतलब ही होता है फैलना। प्रकाश का प्रकीर्णन जब आप लोग समझते होंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाशों का फैल, ठीक है, उसको अवशोषित कर लेता है कण, जब वो कण फैला देता है तो उसको प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। अब बीजों का प्रकीर्णन मतलब बीजों का क्या, फैलाव, बीजों को क्या, प्रकीर्णन का मतलब ही होता है फैलाना, ठीक है। यह प्रक्रिया हवा,
पानी, जंतु आदि के द्वारा होता है। हवा में उड़ने वाले बीजों की पंखुड़ियाँ होती है। पानी में तैरने वाले बीजों में गैस गुणवत्त होते हैं, जैसे बीजों का फल खाकर या उनके शरीर से चिपकने के कारण फैलाते हैं। ओके चलिए, कहता था फूल का चित्र बनाकर उसमें प्रमुख अंगों नामांकित करें। तो प्यारे बच्चों, फूल का चित्र बना लेंगे आप लोग, प्यारा सा छो बच्चे हैं प्यारे प्यारे, तो आप लोग को तो चित्र बनाना आता होगा। देखिए इस प्रकार जो है यहाँ पर के अंदर जो होता है इसको लोग पराग कोश बोलते हैं, इसको बीच में जो होता है उसको लोग स्त्री केसर बोलते हैं, जो साइड में होता है वो पुंग केसर होता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको लोग दल बोलते हैं, जो आपको नीचे में बाहर की ओर होता है उसको बाहेदल बोलते हैं, जो आपको दोनों दिया गया ठीक है। पुष्प को जब हम लोग काटेंगे बीच वाला भाग तो यहाँ पर हमको वर्तिकाग्र दिखेगा, यहाँ इसको जो डंठल होगा इसको वर्तिका बोलते हैं, यहाँ पर एक अंडाशय होता है ठीक है, समझे आप लोग। चलिए आप लोग का मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, इंग्लिश का अभी मैंने 15 चैप्टर तक अच्छे तरीके से इंग्लिश करवा दिया ठीक है, आप लोग का इंग्लिश जो है क्लास 7 का ठीक है बच्चों। उसके बाद आप लोग समझिए साइंस का भी, ये आप लोग का चैप्टर नंबर 17 है आपका, मात्र 2 दिन के अंतर्गत ठीक है। आज अभी जो क्लास कर रहे हैं आप लोग कल सुबह में ठीक है, कल सुबह में 6 AM ठीक है, 6 बजे आप लोग आइएगा। क्लास 7 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर आपका जो है 16 का क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, उसका क्लास कर लीजिएगा। उसके बाद आपका इंग्लिश पूरा कंप्लीट हो गया, हिंदी पूरा कंप्लीट 20 चैप्टर करवा ही चुके हैं पहले ठीक है, पूरा करवा दिए हैं, हिंदी भी हो गया इंग्लिश भी हो जाएगा। साइंस में जो बचेगा वो कल शाम में आपका 6 PM में क्लास चल जाएगा, साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका हिंदी मैथ का क्लास है वो मैथ का क्लास भी हो ही रहा है, कहाँ पर? SBM मैथ्स क्लासेज पर। कहाँ पर प्यारे बच्चों? SBM मैथ क्लासेज में। अगर आप लोग को कोई और विषय में कहीं कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो नीचे हमको कमेंट कीजिएगा। ओके चलिए, कहता जिन पौधों में कायिक प्रबंधन होता है उनकी एक सूची बनाइए। हम बना लिए हैं यहाँ पर, देखिए बाबू लिखेंगे पौधों का नाम, इधर एक लिखेंगे कायिक परिवर्तन की विधियां, जैसे गुलाब में होता है लेयरिंग विधि, कौन सी विधि? लेयरिंग विधि। गेंदा में होता है गेंदा और चमेली, प्यारे बच्चों गेंदा और जो चमेली होता है ना उसमें भी लेयरिंग विधि, गन्ना में लेयरिंग विधि, ईस्ट केक डबल रोटी में मुकुलन विधि, शैवाल में खंडन विधि, मॉर्स फर्न में बीजाणु विधि, इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। ओके कह रहा है प्यारे बच्चों यदि पौधों में बीजों का निर्माण ना हो तो क्या होगा, ये शायद आखिरी क्वेश्चन है ठीक है ना। देखिए लिखा गया यदि पौधों में बीजों का निर्माण नहीं होगा तो नए पौधे का विकास नहीं हो पाएगा, बीजों से ही नए पौधे उगते हैं, बिना बीज के नस्लें विलुप्त हो जाएगी, अनाज फल सब्जियां आदि खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होंगे, पौधों की कमी से वायुमंडल में असंतुलन आ जाएगा, मानव जीवन के लिए भयंकर परिणाम होंगे। ओके चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका जब 7th का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोग को 8th का भी सिलेबस इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा ठीक है। आप लोग हमसे 10th तक की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, 6th से आप लोग जुड़िए और 8th 10th तक का हमसे पढ़िए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।